तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त खुश होंगे। तो गाइस देख लीजिए, सुबह का टाइम है, अब हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं रोटी बनाने। तो मेरे बाबू देख सकते हैं किस तरह से टकरी फैला उला करके बैठा है। और अपना शाम को पापा लाए थे मटन खाने के लिए, मतलब मुर्गा लाए थे, तो वही उसको गर्मा रहा है खाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं चूल्हे में रखा हुआ है, बस बैठ कर गर्मा रहा है, चाव गर्मा रहा है वो भी। अब हम चले रोटी वोटी बनाने के लिए। देख सकते हैं बैठा इधर, देख लीजिए मेरा आटा भी सान करके रखेंगे। उधर मेरा कुकर में चावल हो चुका है, इधर हम सब सब्जी बना रहे हैं। कढ़ाई में अभी मेरा सब्जी भुनी नहीं है। और मम्मी इधर देख लीजिए नानी से बातें कर रही हैं और भुजा खा रही है, देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग भी आइएगा और खा लीजिएगा भुजा। हम खा रहे हैं, तला हुआ है चावल का नमकीन बनाया हुआ खा रहे हैं। आइए आप लोग खा लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आप सब लोग आइएगा और भुजा जो चाहे नाश्ता सा कर लीजिएगा, खा लीजिए। और हमारा खाना ना भी बन चुका है, तो आप सभी लोग आकर खा लीजिएगा। और हम चलते हैं रोटी बनाने। और तो गाइस आज हमको जाना था एडमिशन करने के लिए, तो हम गए नहीं हैं अपना एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि आज स्कूल बंद रहेगा, क्योंकि कुछ कोई शायद त्यौहार है मियाँ लोग का, वही इसलिए हम गए नहीं हैं। तो हम कल जाएंगे एडमिशन कराने के लिए। हम चलते हैं रोटी वोटी बनाने के लिए पापा, क्योंकि मेरे जाना है काम पे पापा को हमारे, तो लेट हो रही है इसलिए हम चलते हैं। तो गाइस देख लीजिए मेरे बाबू अब मुर्गा गरमा लिया है और अब चल रहा है खाने के लिए। देख लीजिए ओ खांसी आ गई बनाते बनाते, ऐसे हमको भी आती है, ठीक है। तो गाइस देख लीजिए इसने रखा है मुर्गा का टंगरी, क्योंकि इसको टंगरी बहुत पसंद है, बोलता है हम टंगरियाँ खाएँगे। तो गाइस इसलिए वो खाने जा रहे हैं और चाय हम जा रहे हैं पियेंगे इसके पास, रोटी वोटी बनाएंगे। आप सभी लगाइएगा और चाय पी लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम जल्दी रोटी बनाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।